फैंस का इंतजार हुआ खत्म। किंग खान यानी कि शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान खुद शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के जरिए किया है। इसी के साथ शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पठान का न्यू पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें पहली बार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम एक साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर ने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक्टर शाहरुख खान पूरे 4 साल बाद फिल्म पठान से पर्दे पर एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए इस पोस्टर में शाहरुख खान बीच में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथों में गन थाम रखी है। वहीं उनके अगल बगल में जॉन और दीपिका भी बंदूक थामे नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए एक्टर शाहरुख खान ने लिखा, पेटी बांध ली है तो चले। बड़े पर्दे पर पठान के हैशटैग 55 डेज टू पठान, 55 दिन यशराज 50 के साथ मनाएं। फिल्म 25 जनवरी को हिंदी समेत तमिल तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। इस पोस्टर को 4 अलग अलग भाषा में रिलीज किया गया है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु है। फिल्म का पोस्टर देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस फिल्म में एक्शन भरपूर देखने को मिलने वाला है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान के लिए पठान फिल्म बेहद ख़ास है और उन्होंने अपने 57वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म का टीज़र भी जारी किया था। टीज़र को देख फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया था और अब रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस की खुशी दोगुना हो गई है। फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में 55 दिन फिल्म का इंतजार कर पाना फैंस के लिए मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि पठान का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। किंग खान को एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन करते देखने के लिए फैंस बहुत ही एक्साइटेड हैं। फिल्म में दीपिका एक एजेंट के किरदार में नजर आने वाली हैं। ये एक एजेंट प्रेम करना भी जानती हैं और हड्डियाँ तोड़ना भी। तो वहीं इस फिल्म में जॉन अब्राहम विलेन के रूप में नजर आएंगे। फिल्म 25 जनवरी को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। बॉलीवुड के किंग खान के वर्क फ्रेंड की बात करें तो शाहरुख खान की अगले साल 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पठान के अलावा जवान और डंकी से बड़े पर्दे पर शाहरुख खान धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।